संविधान हमें बहुत सारी आजादियां दे रहा है, कानून की किताबें बहुत सारी आजादियां दे रही हैं, फिर भी जो मैं कह रहा था उसका मतलब ये कि कुछ ऐसे टेरिटरीज हैं जहां जब आप एक्चुअली पैर रखते हैं तब पता चलता है कि आपके नीचे से कुछ फूट गया है, बम फट गया है। वरना क्या है, ये घटना क्या है कि मैं एक धर्म में हूँ, एक धर्म से मैं दूसरे धर्म में जा रहा हूँ जो आज़ादी मुझे भारत का संविधान देता है, जो आपको जो आई थिंक चैप्टर 3 में हमें ये आज़ादी हमें मिली हुई है कि हम इस तरह के अपने लिबर्टीज को एक्सरसाइज कर सकते हैं। धर्म बदल लेना या किसी दूसरे धर्म में जाने एक सिंपल प्रोसेस है, दुनिया की ज़्यादातर डेमोक्रेसी जिसको अलाउ करती है। तो आप जब एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो पिछले धर्म की बातों को नहीं मानते हैं और एक नए धर्म को मानते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ये आपकी चॉइस है जिसका जो एक टॉपिक में है। तो बाबा साहब जिस समय बॉर्न हिंदू थे, बॉर्न हिंदू से बुद्धिज्म की तरफ जब जा रहे हैं तो पीछे मुझे क्या क्या नहीं करना है और मैं क्या करूँगा, ये मेरे ख्याल से 22 प्रतिज्ञाओं का दो हिस्से बांट सकते हैं कि मैं पीछे ये कर रहा था, ये नहीं करूँगा और अब क्या क्या करूँगा, मतलब ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को मालूम होगा। तो इसमें ऐसा कोई आसमान फटने जैसी बात नहीं है। एक मुसलमान अगर हिंदू धर्म में जाएगा तो बोलेगा कि मैं पीछे ये मान रहा था, ये मैं नहीं मानूंगा और अब ये मानूंगा। यही कन्वर्सन का मतलब ही यही है कि मैं एक किसी खास प्रैक्टिस में हूँ और उस प्रैक्टिस को नहीं करूँगा। खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए तो बहुत नेचुरल है कि जिस धर्म ने उन्हें इतनी ज़्यादा पीड़ा दी, इतनी तकलीफें दी जिसकी कि आप विश्व इतिहास में कोई तुलना नहीं है, वहाँ से निकल कर अगर कोई लिबरेट होता है, मुक्ति के रास्ते पर चलता है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि भारत का जो डोमिनेंट जो प्रभावशाली डिस्कोर्स है वो इस तरह की बात को नहीं करने दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि इस डिबेट के जरिए जो अगर हम कामयाब होते हैं इस डिबेट में तो हम असल में भारतीय लोकतंत्र का वो हिस्सा क्लेम करेंगे जो कागज पर है और जमीन पर नहीं, एक्चुअली वो अधिकार में मिला हुआ है लेकिन जब हम उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितना हंगामा हो रहा है। तो ये अगर इस लड़ाई का महत्व इस मामले में है, इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति का एक पद है, वो मंत्री था नहीं है, रहेगा, ये उस कहानी का एक छोटा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इससे आज़ादी का एक पूरा दायरा खुलेगा। तो मैं इसको बहुत गंभीरता से इस मामले को हम सब लोग आप सब लोगों की भी नज़र है क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप में कितनी चिंता की बात है कि एक व्यक्ति जिस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है वो पॉलिटिकल सिचुएशन में दबाव वगैरह क्या रहा होगा किसी को नहीं मालूम, अंदर की अंदर कथाएँ हम सब लोगों को नहीं पता होती हैं, जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि उनको मंत्री नहीं रहने की स्थिति आई। तो आप सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं जो भारत सरकार छापते, भंते जी ने बहुत सही बताया, वॉल्यूम 17 22 प्रतिज्ञाएं उसमें है, इंग्लिश में भारत सरकार ने छापी है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने छापी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापी है, हिंदी में वॉल्यूम 40 में पूरी की पूरी 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं जो भारत सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने छापी है, उसको केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जो थे उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है, उसको भारत सरकार रिलीज करती है, लाखों की संख्या में छापती है और बेचती है। उन 22 प्रतिज्ञाओं को बोलना राजनीति की दुनिया में या व्यवहारिक दुनिया में एक अपराध की तरह देखा गया, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर खास करके जो यहाँ का प्रभावशाली धर्म और उससे जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इसको अभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम लोग अगर इस लड़ाई में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो ये लाखों लोगों की जिंदगी पर एक्चुअली इम्पैक्ट करेगा। और खास करके अगर आप देखें कि उस घटना के बाद पूरे देश में इस समय 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने की बाढ़ आ गई है, मतलब कविताएं बन रही हैं उस पर, लोग उसको गा रहे हैं, मतलब 10,000 की भीड़ में वो 22 प्रतिज्ञाएं बोली जा रही हैं। ये मतलब कम से कम 25 साल से तो मैं भी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये पहली बार हुआ है। बहुत मुझे लगता है कि 1956 के बाद बाबा साहब के कन्वर्सन के बाद, और ये एक दूसरा मौका है जब फिर से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, नवयान बुद्धिज्म को लेकर या बुद्धिज्म को लेकर एक नए ढंग का एक खुद को बताना, मतलब क्योंकि आप बुद्धिज्म में जाते हैं तो कोई न रिजर्वेशन वगैरह पे कोई इम्पैक्ट तो हो नहीं रहा, क्योंकि लोग उसको
नहीं बता रहे थे, अब वो बताना शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं मालूम कि राजनीति में अगला कदम कौन क्या लेगा, उसमें हम सलाह देने के लिए भी सक्षम नहीं, क्योंकि राजनेता इस मामले में बहुत सबसे सही अपने लिए सोच पाते हैं। लेकिन हमारी पूरी तरह से मंगल कामनाएं रहेंगी। अभी तक में रणपाल वर्धन ने जिन्हें जितना कर दिया, वही अपने आप में इतना भारी है, इतना बड़ा इतिहास है। इसके बाद अगर वो कुछ भी ना करें तो भी मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।